जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस लेक्चर में दोस्तों। और अपनी सीरीज ये शुरू हो चुकी है साइंस की दोस्तों, बिल्कुल धमाके दोस्तों साइंस के करने वाले हैं। एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गया है, 18 फरवरी दोस्तों आज हो गई है और 28 फरवरी से हमारा एग्जाम स्टार्ट है। कुल मिला के गिनती के दोस्तों 10 दिन रह गए हैं और इस 10 दिन में दोस्तों हमें ऐसे झंडे गाड़ने हैं जो दोस्तों कोई भी दोस्तों पीछे हमसे दोस्तों ना रह पाए, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा ना रह पाए जहां पे हम लोग दोस्तों पीछे रह जाए। और उसी में दोस्तों साइंस के लिए यहां पर हम लोग सीरीज लगातार कर रहे हैं, पूरा रिवीजन दोस्तों आज करेंगे और देखेंगे दोस्तों कौन से साइंस के क्वेश्चन जरूरी हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को दोस्तों बता दूं कि आप सभी लोग जो अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं मेरा टेलीग्राम ग्रुप, वो दोस्तों जरूर जरूर यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। इसी टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों सारी आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी और इसी टेलीग्राम ग्रुप पर दोस्तों आपको सारी अपडेट मिल जाएंगी, यहीं पर दोस्तों आपको मिलेगी सारी अपडेट एग्जाम के लिए। तो @shubhamsir_textbook दोस्तों इसको आपको ज्वाइन करना है तुरंत, ठीक है ना। साथ ही साथ दोस्तों अपना ऑफर चल रहा है धमाकेदार, ये मैंने आपको कल भी बताया था और आज फिर से बता रहा हूं, 16 तारीख से लेकर और 19 तारीख के बीच में, यानी 16 फरवरी से 19 फरवरी के बीच में अगर आप कोई भी दोस्तों टेस्ट बुक का सिलेक्ट कोर्स खरीदते हैं तो आपका नाम दोस्तों लकी ड्रॉ के लिए जाएगा और आप जीत सकते हैं ब्रांड न्यू एडवांस्ड दोस्तों कॉन्फिगरेशन वाला लैपटॉप। वो दोस्तों बहुत जरूरी है आप सभी के लिए, तो आप सभी लोग इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ेंगे अपने क्वेश्चंस की ओर। पहला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कॉज ऑफ द कुशिंग डिजीज, यानी कुशिंग रोग का दोस्तों यहां पर कारण क्या होता है। सीधा क्वेश्चन सीधा आंसर, कुशिंग रोग का दोस्तों कारण यहां पर क्या होता है, क्या वायरल इंफेक्शन होता है, एक हार्मोन के ऊंचे स्तर की वजह से यह रोग होता है, या फिर दोस्तों जीवाणु संक्रमण की वजह से, क्यों दोस्तों यहां पर जो है वो हमें कुशिंग रोग हो जाता है यह आपको बताना है। सही आंसर है दोस्तों, हार्मोन के ऊंचे स्तर के कारण ही दोस्तों एक कुशिंग रोग हो जाते हैं। बिल्कुल सही आंसर आप सभी ने यहां पर दिया है दोस्तों, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ जाइए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या मुझे बता दीजिए। परमाणु की जो प्रभावी त्रिज्या है दोस्तों ये आप लोग मुझे बता दीजिए, परमाणु की प्रभावी त्रिज्या दोस्तों इनमें से कौन सी है, क्या 10^-6 मीटर, -14 मीटर, -10 मीटर या -15 मीटर। दोस्तों यहां ध्यान रखिएगा, परमाणु की पूछी गई है, नाभिक की नहीं। सही दोस्तों, बहुत बढ़िया, 10^-10 मीटर ये होती है परमाणु की, बिल्कुल सही। 10^ दोस्तों -10 हो जाती है परमाणु की। और दोस्तों अगर नाभिक की यहां पर पूछेंगे तो नाभिक दोस्तों यहां पर 10^-14 रहता है, ठीक है ना, 10^-14 ये आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा। जो हमारे नाभिक है, नाभिक की जो त्रिज्या रहती है दोस्तों वो यहां पर 10^-14 हो जाती है, ठीक है, 10^-14 ये आप लोग यहां पर दोस्तों ध्यान रखिए, ये नाभिक की होती है और दोस्तों ये परमाणु की रहती है जो 10^-10 मीटर तक रहती है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द केमिकल चेंज, दोस्तों केमिकल चेंज कौन सा होगा, निम्न चारों में से आपको पहचानना है कौन सा एक इनमें से ऐसा है जो केमिकल चेंज के रूप में दोस्तों जाना जाता है। कांच के ग्लास का टूटना, प्रकाश का संश्लेषण, नमक में पानी का विघटन या बर्फ का पिघलना, कौन सा एक ऐसा है जो रासायनिक परिवर्तन है। दोस्तों अभिषेक जी, अरुण जी, गीतांजलि जी, पहचानिए इनमें से। मोहिता चतुर्वेदी जी, देखिए एक एक क्वेश्चन यहां पर सिलेक्टेड है आप सभी के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही, फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर। ये तीनों दोस्तों कैसे हैं, हमारे भौतिक परिवर्तन हैं, लेकिन प्रकाश का संश्लेषण कैसा है दोस्तों, ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है ना। बाकी सारे हमारे कैसे, भौतिक परिवर्तन है दोस्तों, लेकिन रासायनिक कौन सा हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस, याद कर लीजिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको बता दूं टेस्ट बुक के पास के बारे में दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत जरूरी न्यूज है। देखिए बिल्कुल 10 दिन हमारे पास रह गए हैं और 10 दिन के अंदर अंदर पूरे सिलेबस को हमें रिवाइज करना है, पूरे सिलेबस की प्रैक्टिस करनी है। उसके लिए दोस्तों मॉक पेपर सबसे जरूरी है, इसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए एक मॉक पेपर का मतलब है 100 क्वेश्चन, यानी जैसे ही आप एक मॉक पेपर करेंगे आपके 100 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे रिवाइज हो जाएंगे। अब मैं कह रहा हूं कि अगले 10 दिनों की बात कर लीजिए, अगले 10 दिनों में अगर आपने एक दिन में 3 मॉक पेपर भी करे तो भी 10 दिन में आप 30 मॉक पेपर कर सकते हैं, यानी 3000 क्वेश्चन दोस्तों आप रिवाइज कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये बहुत बढ़िया मौका है अपने स्कोर को दोस्तों आगे बढ़ाने का, और इसीलिए यहां पर एक टेस्ट बुक का पास दोस्तों जो आपको अगले 10 दिन में जबरदस्त तरीके से स्पीड देगा और आपके पूरे सिलेबस को रिवाइज दोस्तों कराएगा। टेस्ट बुक का ये पास दोस्तों ज्वाइन कीजिए और ICAR के मॉक पेपर लगाना शुरू कर दीजिए। 10 दिन में 3000 क्वेश्चन
क्वेश्चन का दोस्तों टारगेट करिए कि आपको रिवाइज कर लेने हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से आप लोग इसको ज्वाइन कर सकते हैं और दोस्तों इसका फायदा आप लोग यहां पर उठा सकते हैं, वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। देखिए ये अगर आप देखें तो पीछे देखिए यहां पर ये लेक्चर आपका चल रहा है YouTube पर। अगर देखिए इसी में आप नीचे की ओर जाएंगे, इसी में नीचे की ओर जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो पहला ही लिंक दोस्तों आपको यहां मिल जाएगा और इस पहले ही लिंक पर दोस्तों आपको ये क्लिक करके ये विंडो दोस्तों यहां पर मिल जाएगी, ठीक है ना। इसी विंडो में देखिए तीनों प्रकार के यहां पर टेक्स्ट बुक के पासेस दिए हुए हैं, मंथली पास भी है, ईयरली पास भी है और दोस्तों यहां पर लाइफ टाइम पास भी है। ऑलरेडी ये डिस्काउंटेड प्राइस पर है लेकिन फिर भी अगर यहां पर आप अप्लाई कूपन करके मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा। क्या है कूपन कोड? तो SUAPASS दोस्तों ये है मेरा कूपन कोड, इसका इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा और अप्लाई करते ही दोस्तों डिस्काउंटेड रेट यहां पर शो होना शुरू हो जाएंगे। तो देखिए जैसे मैं इसे अप्लाई करूंगा तुरंत यहां पर डिस्काउंटेड रेट दोस्तों शो होने हैं। देखिए 599 वाला केवल 540 का दोस्तों यहां पे रह गया है, तो इस तरीके से आप दोस्तों इसको यूज कर सकते हैं और अपनी तैयारियों को दोस्तों आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इस जानकारी के बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं तेजी से। बताइए लाल रक्त कोशिकाओं का औसत जीवन काल 120 दिन होता है, जिसके बाद में दोस्तों कहां पर जाकर नष्ट होते हैं, कहां पर जाकर नष्ट होते हैं ये बताइए मुझे तेजी से दोस्तों, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आप सभी का आ रहा है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों। स्पेलिन यहां पर सही आंसर है, दिल्ली यहां पर दोस्तों बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ गया है। अगर आरबीसी की हम लोग बात करते हैं तो दोस्तों ये स्पेलिन में ही जाके डेथ होते हैं, याद कर लीजिए आरबीसी का काल होता है 120 दिन और वहीं अगर डब्ल्यूबीसी की हम लोग बात करें तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी का दिन जो होता है वो 1 से 2 दिन रहता है, कहीं कहीं पर से 3 से 4 दिन भी दोस्तों लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन यही इसका जीवन काल दोस्तों यहां पर रहता है। और वहीं अगर बात करें हम लोग प्लेटलेट्स की, अगर हम लोग बात करें प्लेटलेट्स की तो इसका जीवन काल दोस्तों 5 से 7 दिन का होता है, यानी लगभग लगभग 1 सप्ताह का दोस्तों इनका जो काल है वो यहां पर दोस्तों रहता है। इसको आप लोग दोस्तों यहां पे समझ लीजिए, बहुत ही जरूरी है। देखिए आरबीसी और प्लेटलेट्स ये दोनों तो स्पेलिन में जाकर ही दोस्तों डेथ होते हैं, लेकिन अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की तो डब्ल्यूबीसी दोस्तों ब्लड में ही डेथ हो जाती है, ठीक है ना। अगर हम बात करें तो ये ब्लड में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ब्लड में ही ये दोस्तों मृत हो जाती हैं, ठीक है। यहां पे बात करें डब्ल्यूबीसी कहां बनती है तो डब्ल्यूबीसी तो 4 जगह बनती है, कहां कहां पर? एक तो हमारे बोन मैरो में, हमारा बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा, दूसरा हमारा लिवर, तीसरा हमारा लिम्फ नोड, लिम्फ नोड और चौथा दोस्तों हमारा स्पेलिन, समझ रहे हैं, स्पेलिन। ये 4 जगह में बनती है, समझ लीजिए ये बात, ठीक है। केवल डब्ल्यूबीसी अकेली ऐसी है जो दोस्तों 4 जगहों पर जाकर क्या होती है, बन जाती है, ठीक है ना। कहां कहां पे बनती है? बोन मैरो बनती है, लिवर में बनती है, लिम्फ नोड पर बनती है और दोस्तों कहां बनती है, स्पेलिन में बनती है यानी प्लीहा में दोस्तों ये बनती है, दिल्ली में ये बनती है दोस्तों, याद कर लीजिए, ठीक है ना। मरे कहां पर? ये डब्ल्यूबीसी जो है वो ब्लड में ही दोस्तों क्या होती है, डेथ हो जाती है, इसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, याद कर लीजिए। आदित्य यादव जी स्प्लिन अंदर ही होता है यहां पर, ठीक है, कभी देखिएगा खोल के तो अंदर आपको दिखेगा स्प्लिन, ठीक है ना, अंदर ही होता है हमारे एब्डोमेन में, उधर में होता है दोस्तों हमारे, ठीक है ना। आदित्य यादव जी कभी देखेगा आपको दिखेगा अंदर, ठीक है ना, खोल के देखिएगा कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज आर नॉट कॉज्ड बाय द स्मॉग, यानी कौन सी बीमारी दोस्तों धुएं से नहीं होती है, यह आप लोग बताएं। बहुत ही बढ़िया, जल्दी से बताइए इसका आंसर। चलिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ रहा है दोस्तों। अगर हम धुएं से बात करें तो धुएं से यहां पे एक ही दिख रही है, वो है रिकेट्स, क्योंकि दोस्तों ये डी की कमी से होती है, विटामिन डी की कमी से होती है और बाकी सब दोस्तों धुएं से हो सकती हैं, ठीक है ना, बाकी सब यहां पर धुएं से हो सकती हैं, याद करिए, ठीक है ना। कृष्णु कर्माकर जी आरबीसी और अपनी प्लेटलेट्स ये दोस्तों दोनों जो होती है ना ये बोन मैरो बनती है, ये दोनों कहां बनती है? बोन मैरो में दोस्तों बनती है, कहां पे? बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में दोस्तों ये बनती है, ठीक है, याद कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल प्रोसेस इज यूज्ड टू द हार्डन रबर, यानी रबर को कठोर बनाने के लिए दोस्तों किस रासायनिक प्रक्रिया का उपयोग करते हैं? क्या वेल्डराइजेशन का,
वोलेटाइजेशन का, वल्कनाइजेशन का या वेपोराइजेशन का, कहां पे दोस्तों हम लोग रबड़ को कठोर बनाने के लिए किस क्रिया का दोस्तों उपयोग करते हैं, ये पूछा गया है। जल्दी से मुझे इसका आंसर दे दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर यहां पे आ गया है। जबरदस्त, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही दोस्तों आंसर यहां पे आ गया है। वल्कनीकरण यानी वल्कनाइजेशन, यही वो सही प्रक्रिया है जिसमें रबड़ को दोस्तों कठोर बनाया जाता है। सही आंसर आप सभी लोग दे रहे हैं, यानी तैयारी दोस्तों आप सभी की बहुत जबरदस्त हो रही है। बस उसको पॉलिश करते रहना है, उसको लगातार दोस्तों आगे बढ़ाते रहना है, तभी दोस्तों वो काम में अपने आने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखिए, बेकेलाइट दोस्तों किस प्रकार का बहुलक है? बेकेलाइट इज व्हाट टाइप ऑफ पॉलीमर? बेकेलाइट यहां पर किस प्रकार का पॉलीमर है? क्या वो थर्मोसेटिंग पॉलीमर है, थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर है, फाइबर है या फिर इलास्टोमर है? चलिए, बेकेलाइट के बारे में सभी को मालूम है, बेकेलाइट के बारे में मालूम है ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है जो दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं, दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं दोस्तों ये, ठीक है ना, ये दोबारा प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है, और थर्मोप्लास्टिक जो होते हैं इनको दोस्तों दोबारा प्राप्त किया जा सकता है, दोबारा इनको गलाकर बनाया जा सकता है, दोबारा प्राप्त इनको किया जा सकता है दोस्तों, ये याद कर लीजिए आप लोग। ठीक है ना, थर्मोसेटिंग का मतलब जो दोबारा प्राप्त नहीं होते, एक बार बन गए तो बन गए। चलिए आगे बढ़िए। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज इंक्रीज्ड इट्स रेजिस्टिविटी, यानी जब भी किसी अर्धचालक का तापमान बढ़ाया जाएगा तो उसकी प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या तापमान बढ़ने से ये बढ़ेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, या कम हो जाएगी, या फिर कांस्टेंट रहेगी? दोस्तों पवन रावत जी तेजी से बताइए। चलिए सही आंसर यहां पे आ रहा है दोस्तों, बिल्कुल सही, कम हो जाती है। जैसे ही तापमान बढ़ेगा तो दोस्तों रेजिस्टिविटी यहां पर क्या होगी, तुरंत ही कम हो जाएगी। उसका रीजन ये होता है दोस्तों कि जैसे ही किसी भी मीडियम का टेम्परेचर बढ़ता है तो इसके अंदर जो ये पार्टिकल्स होते हैं इनमें दोस्तों मूवमेंट शुरू हो जाता है, इनमें क्या होता है मूवमेंट शुरू हो जाता है, यानी कंपन शुरू हो जाएगा, और जब इनमें कंपन शुरू हो जाएगा तो करंट दोस्तों बहुत मुश्किल से इसमें से बह पाएगा, यानी करंट को बहने में दोस्तों और भी ज्यादा मुश्किल यहां पर होगी। इसीलिए दोस्तों यहां पर कहा जाता है कि टेम्परेचर बढ़ने से क्या होगा, जो रेजिस्टिविटी है वो भी दोस्तों क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस जब बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी दोस्तों अपने आप कम होगी। हम सभी को मालूम है रेजिस्टेंस के क्या होते हैं, इनवर्सली प्रोपोर्शनली तो होता है, जो हमारी रेजिस्टिविटी होती है वो दोस्तों रेजिस्टेंस की यानी प्रतिरोध की इनवर्सली प्रोपोर्शन होती है। अब मैंने आपको यहां पे दिखाया कि रेजिस्टेंस यहां पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। जैसे ही हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो क्या होता है, रेजिस्टेंस हमारा क्या होता है, बढ़ जाता है दोस्तों। रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो सीधी सी बात है कि रेजिस्टिविटी दोस्तों कम हो जाती है। ठीक है ना, रेजिस्टिविटी यहां पर क्या होती है, कम हो जाती है। ये बात हमें समझ में दोस्तों अब आ गई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़िए। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव एंजाइम, निम्न में से कौन सा दोस्तों एक एक्टिव एंजाइम है, जल्दी से बताइए, बहुत ही तेजी से बता दीजिए। चलिए बिल्कुल 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 बिल्कुल, देखिए बिल्कुल सही, ट्रिप्सिन यहां पर क्या है, एक सक्रिय एंजाइम है, बिल्कुल सही आंसर है। यहां पर जो ट्रिप्सिन है वो दोस्तों बिल्कुल सक्रिय एंजाइम है, बाकी ये तीनों कैसे हैं दोस्तों, सक्रिय नहीं है, इन्हें सक्रिय करना पड़ता है जब दोस्तों इनकी जरूरत होती है। आगे बढ़ जाइए, आंख का लेंस रेटिना पर किस प्रकार की इमेज बनाता है, आंख का जो लेंस है वो रेटिना पर किस प्रकार की दोस्तों छवि बनाता है, द आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन द रेटिना, क्या लंबवत और वास्तविक बनाएगा, उल्टी और वास्तविक बनाएगा, किस प्रकार की दोस्तों ये इमेज बनाता है। चलें सही आंसर, बिल्कुल सही दोस्तों, हमारी आंख में हमको सबको मालूम है उत्तल लेंस होता है ना, अपनी आंख में जो लेंस है वो कौन सा होता है, उत्तल लेंस होता है वो, है ना। ये क्या करता है, उल्टी और वास्तविक इमेज दोस्तों बनाता है, ठीक है ना, याद कर लीजिए उत्तल लेंस होता है। और क्षमता की बात करेंगे तो 576 मेगापिक्सल का दोस्तों होता है अपनी आंख का लेंस, याद कर लीजिए, अपनी आंखों में जो लेंस होता है ना ये 576 मेगापिक्सल का होता है दोस्तों, 576 मेगापिक्सल का होता है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साइट्रिक एसिड चक्र को किस और रूप में जाना जाता है,
यानी जो हमारा सिट्रिक एसिड साइकिल है इसका दोस्तों एक और नाम पूछा गया है। सिट्रिक एसिड साइकिल का दूसरा नाम दोस्तों पूछा गया है, क्या ये हेनले लूप है या मेंस्ट्रुएशन साइकिल है, कार्बन साइकिल है या फिर क्रेब्स साइकिल है। बहुत सुंदर, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का आ गया दोस्तों, क्रेब्स साइकिल ही से बोलते हैं। जो हमारा एसिड चक्र होता है, साइट्रिक एसिड चक्र होता है, इसे क्रेब्स साइकिल ही दोस्तों बोला जाता है। सही आंसर आप सभी का। आगे बढ़ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्टारफिश इनमें से किससे है संबंधित दोस्तों। ये क्वेश्चन कुछ दोस्तों बहुत ही जरूरी हैं, जिनको मैं बार बार आपको कराता हूं, बार बार मैं ये क्वेश्चन आपको करा रहा हूं, उसका रीजन ही यही है कि ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इनको अगर आपने याद कर लिया तो यहां से दोस्तों कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला आप सभी का नहीं होगा, ठीक है। याद करिए भाई लोग जल्दी से। चलो सही आंसर की ओर बढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही दोस्तों, बहुत ही बढ़िया। एकिनोडर्म्स से ही संबंधित है ये स्टारफिश, याद कर लीजिए। बढ़िया, आगे दोस्तों, योगर्ट एंड बटर मिल्क आर प्रोड्यूस विद द यूज ऑफ, यानी दही और छाछ का उत्पादन दोस्तों किसके प्रयोग से किया जाता है। फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है, किसके यूज से हम लोग दही या फिर छाछ का उत्पादन करते हैं, यानी दही को बनाने वाला दोस्तों इनमें से कौन होता है, ये पूछा जा रहा है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत ही बढ़िया, चलिए सही आंसर यहां पे आ गया है, बिल्कुल सही। लैक्टोबेसिलस इज द राइट आंसर दोस्तों। लैक्टोबेसिलस ही वो जीवाणु होता है दोस्तों जो दही को बनाने में काम आता है। सही आंसर यहां पे है लैक्टोबेसिलस, ठीक है। यहीं पे कर लीजिए, हमारे शरीर की अगर बात करें, ये तो बाहर की बात हो गई, शरीर की अगर अंदर की बात करें तो शरीर के अंदर दोस्तों कौन सा होता है, वो रेनिन होता है। रेनिन, समझ रहे हैं मेरी बात, वो होता है रेनिन जो दोस्तों दूध को दही में बदलता है, दूध को दही में दोस्तों बदल देता है, वो रेनिन होता है, ठीक है ना, याद कर लीजिए मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर, जल्दी से बढ़िए। बैट्स सर्च आउट देयर प्रे एंड फ्लाई इन द डार्क नाइट बाय डिटेक्टिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग वेव्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट, चमगादड़ दोस्तों रात में किस तरंग के परावर्तन से अपने शिकार को दोस्तों ढूंढ लेते हैं, कौन सी तरंगों का वो इस्तेमाल करते हैं, ये पूछा जा रहा है। किस प्रकार की तरंगों का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों, ये बताइए। बहुत बढ़िया, सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है, अल्ट्रासोनिक तरंगे दोस्तों। अल्ट्रासोनिक का मतलब 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, जो भी तरंगे ऐसी होती हैं जिनकी फ्रिक्वेंसी 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा हो वो दोस्तों कहलाती हैं अल्ट्रासोनिक। और इंफ्रासोनिक का मतलब 20 हर्ट्ज से कम, जो भी तरंगे ऐसी होती हैं जिनकी जो दोस्तों आवृत्ति होती है वो 20 हर्ट्ज से कम होती है वो दोस्तों यहाँ पर इंफ्रासोनिक कहलाती है। हाइपरसोनिक का मतलब समझिए, ध्वनि की गति के 5 गुने से अधिक, ध्वनि की गति के 5 गुने से अधिक, अगर किसी भी चीज का वेग है 5 गुने से अधिक, समझ लीजिए मेरी बात, कोई भी चीज हो, एक्स वाई जेड, चाहे वो मिसाइल हो, कोई प्लेन हो, कोई गाड़ी हो या कुछ भी हो, अगर ध्वनि की गति के 5 गुने से अधिक है तो वो कहलाया जाएगा दोस्तों हाइपरसोनिक। और सुपरसोनिक की बात करें तो ध्वनि की गति से ज्यादा, ध्वनि की गति से अधिक दोस्तों कोई भी चीज होगी तो वो सोनिक कहलाएगी, सुपर सोनिक दोस्तों कहलाएगी। याद कर लीजिए, कोई मिसाइल अगर ध्वनि की गति के बराबर या ज्यादा है, या कोई प्लेन है, कोई लड़ाकू विमान है, या कुछ भी है दोस्तों जो ध्वनि की गति से अधिक है तो वो दोस्तों सुपर सोनिक यहां पर कहलाता है। और 5 गुने से अगर अधिक हो जाए तो वो दोस्तों फिर हाइपर सोनिक कहलाया जाएगा। ये आप लोग 2-3 बातें यहां पर याद रखिए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत जरूरी दोस्तों हो जाती है। चलिए आगे बढ़ जाइए, न्यूक्लियोटाइड्स विच हैव द सेम डिफरेंस बिटवीन नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस आर कॉल्ड। जिनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्याओं के बीच का अंतर समान होता है तो ऐसे न्यूक्लियोइड को क्या कहते हैं। ये बड़ा आसान सा सवाल दोस्तों आ गया है, ऐसे न्यूक्लियोइड को क्या कहते हैं जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों समान होता है, क्या उन्हें आइसोडिफास कहते हैं, आइसोटोन कहते हैं, आइसोबार कहते हैं या फिर दोस्तों उन्हें आइसोटोप कहते हैं। चलिए सही आंसर,
सही आंसर आ गया है। अगर दोस्तों ऐसे मिल जाए तो उन्हें आइसोटोपार कहते हैं, जिनमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के संख्याओं के बीच का अंतर दोस्तों क्या रहता है, समान रहता है। जिनके न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है उनके बीच की संख्याओं का दोस्तों अंतर समान रहता है, तो उन्हीं को हम लोग दोस्तों क्या कहते हैं, आइसोटोपार कह देते हैं। आइसोटोप के बारे में सबको मालूम है, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर, ये सबको पता है ना, सेम एटॉमिक नंबर और डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार के बारे में पता है, सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर। और दोस्तों आइसोटोन के बारे में मालूम है, सेम न्यूट्रॉन नंबर, यानी जितने भी जो न्यूट्रॉन हैं वो दोस्तों अगर किसी में सेम होंगे तो वो क्या कहलाएगा, आइसोटोन कहलाएगा। ठीक है, याद कर लीजिए। बढ़िया, आगे, which of the following particles is unstable? निम्न में से कौन सा कण जो है वो अस्थिर है, कौन सा इनमें से कण ऐसा है जो अनस्टेबल है, अस्थिर है, इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन, कौन सा है दोस्तों जो अस्थिर है यानी अनस्टेबल है। चलिए, सही आंसर, बहुत ही बढ़िया, न्यूट्रॉन दोस्तों सही आंसर है, यही दोस्तों अस्थिर कण होता है, याद कर लीजिए इस बात को। बढ़िया, आगे, आयोडीन युक्त नमक दोस्तों उपयोगी होता है क्यों, आयोडीन युक्त नमक जो है ये दोस्तों उपयोगी क्यों होता है, क्या ये हमारे डाइजेशन में सुधार करता है, क्या ये प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, या थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है, या फिर ये सारे काम करता है, क्यों है दोस्तों आयोडीन युक्त नमक उपयोगी। चलिए, सुंदर दोस्तों, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव यहां पे सही है, बिल्कुल सही, ये तीनों ही दोस्तों बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इथेनॉल बीइंग एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज सॉल्यूबल इन वाटर, व्हाट काइंड ऑफ बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स सॉल्युबिलिटी। यानी इथेनॉल एक कार्बनिक यौगिक है जो पानी में घुलनशील होता है, इसकी घुलनशीलता के लिए किस प्रकार का बंध जिम्मेदार है ये आपको बताना है, किस प्रकार का बंध जिम्मेदार है ये आपको यहां पर बताना है, जल्दी से बताइए इसका आंसर, कौन से बंध की वजह से दोस्तों इथेनॉल जो है वो पानी में घुलनशील है। चलिए चलिए, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, हाइड्रोजन बंध के द्वारा ही ये इथेनॉल दोस्तों पानी में घुल जाता है, सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर वन, बिल्कुल सही। आगे बढ़ जाइए, ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी बाय द, यानी ऑक्सीजन को शरीर की सभी कोशिकाओं तक दोस्तों कौन पहुंचाता है, ये बहुत ही आसान दोस्तों क्वेश्चन हो गया है, कौन पहुंचाता है ऑक्सीजन को सभी कोशिकाओं तक, ये आप लोग बताइए। चंदन जी, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है, घेंघा, ग्वाइटर, हम सभी ने देखा होगा, घेंघा रोग हो जाता है जिसमें थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है और गले से बाहर आ जाती है, पता है ना ये बात, आयोडीन की कमी से होता है घेंघा रोग, ग्वाइटर रोग है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं, सही आंसर है दोस्तों आरबीसी, बिल्कुल सही, आरबीसी में जो हमारा हीमोग्लोबिन होता है, ये हीमोग्लोबिन ही दोस्तों ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, क्रिया करता है, और क्या बना लेता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और इस ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही दोस्तों क्या होता है, पूरी ऑक्सीजन पूरे शरीर में दोस्तों हर एक कोशिका तक पहुंचती है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। अगला देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्सुअल करेक्टर, यानी निम्न में से कौन सा हार्मोन ऐसा है जो मादा लैंगिक लक्षणों के विकास के लिए उत्तरदायी है, क्या वो प्रोलैक्टिन है, एस्ट्रोजन है, ऑक्सीटोसिन है, या फिर वो प्रोजेस्टेरोन है, जल्दी से बताइए। अशोक अनुरागी जी, मोनिश वर्मा जी, चलिए चलिए, ये कुछ लोगों के कमेंट देखकर मुझे एक एड याद आ गया, अपने टीवी चैनल्स पर एक एड आता है जो हैंड वॉश का एड होता है,
उसमें विभिन्न तरह के हैंड वॉश यूज करते हैं, कई जगह तो टॉयलेट क्लीनर का भी ऐड आता है, हर जगह एक बात कॉमन होती है, वहां पर क्या होता है 99.99% कीटाणु मर जाते हैं और 0.1% कीटाणु जो हैं वो रह जाते हैं, और वही 0.1% कीटाणु वहां से भागकर हमारे समाज में दोस्तों मिल गए। तो कुछ कमेंट देखकर मुझे लग रहा है कि उन्हीं में से कुछ कीटाणु जो हैं वो यहां पर दोस्तों जो है मिल गए हैं, ऐसा लग रहा है। कुछ कमेंट देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो 0.1% वहां कीटाणु बच जाते हैं वही हम लोग के बीच में दोस्तों आ जाते हैं। कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ जाइए। अब देखिए एक एक कीटाणु है जो पिछले एक हफ्ते से जो है वो मुझे बर्थडे विश कर रहे हैं, अब पता नहीं कौन सा कीटाणु है ये। खैर कोई बात नहीं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करिए, हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन एडल्ट ह्यूमन बीइंग, कितनी दोस्तों यहां पर हैं, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां मौजूद होती हैं ये आप मुझे बताइए। चलिए कोई बात नहीं, बताइए मुझे वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। चलिए अनीशा जी, अभिषेक कुमार जी, बहुत बढ़िया, सही आंसर दोस्तों 206 होती हैं। और अगर हम बच्चे की बात करें, अगर हम नवजात बच्चे की बात करें तो हम सभी को मालूम है लगभग 300 हड्डियां दोस्तों होती हैं उसमें, है ना, लगभग 300 हड्डियां दोस्तों नवजात में होती हैं, बाद में कुछ हड्डियां जुड़कर एक हो जाती हैं और इसलिए फिर वयस्क मनुष्य में 206 रह जाती हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, हु वाज द फर्स्ट टू प्रपोज एटॉमिक थ्योरी, यानी परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, जल्दी से बता दीजिए प्रथम व्यक्ति कौन थे परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित करने वाले। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर यहां पे आ गया है, जॉन डाल्टन, बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, इन्होंने ही सबसे पहले परमाणु सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। हालांकि इनके परमाणु मॉडल में बहुत सारी गलतियां थी, बहुत सारी कमियां थी जिनको बाद के साइंटिस्ट ने दूर किया, नील्स बोर हो गए, वो रदरफोर्ड हो गए या और भी साइंटिस्ट हो गए जिन्होंने अपने परमाणु मॉडल में उसको दूर किया, लेकिन सबसे पहले अगर परमाणुवाद की बात करी तो वो जॉन डाल्टन ने ही दोस्तों यहां पर करी थी, इस बात को आप लोग याद रखिए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, देखिए क्वेश्चन, किस विटामिन की खोज से कमी से जीरोथैलेमिया हो जाता है, बच्चों वाला रोग, मैंने पहले ही हजारों बार बताया आपको विटामिन ए है वो, विटामिन ए की कमी से ही दोस्तों रतौंधी रोग भी होता है यानी नाइट ब्लाइंडनेस, और दोस्तों विटामिन ए जो होता है ये जीवाणु रोधी भी होता है यानी एंटीबैक्टीरियल, जीवाणु रोधी भी दोस्तों यही होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार डी से हमें कौन सा होता है, रिकेट्स हो जाता है, अगर बॉडी में हमारी डी कम हो जाता है तो कौन सा होता है, रिकेट्स होता है, और या फिर ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, कौन सा दोस्तों, ऑस्टियोपोरोसिस, समझ रहे हैं मेरी बात, ऑस्टियोपोरोसिस ये दोस्तों यहां पर हो जाता है। विटामिन ई के बारे में सभी जानते हैं, इसे हम लोग रहस्यमयी विटामिन बी कहते हैं ना, क्या कहते हैं इसे, रहस्यमयी विटामिन बी कहते हैं, इसी को हम लोग सौंदर्य विटामिन भी कहते हैं सौंदर्य विटामिन, है ना, और कुछ इसको हम लोग प्रजनन विटामिन भी कह देते हैं, है ना। चलिए बिल्कुल सही। अच्छा विटामिन के की बात करें तो विटामिन के बारे में पता है, रक्त का थक्का जमाने में सहायता करता है ये, अगर ये कम हो जाए तो हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, रक्त का थक्का नहीं जमेगा, ये भी आप सही हो गए, ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सॉल्युबल, निम्न में से कौन सा वाटर सॉल्युबल है, उज्जवल कुशवाहा जी बताइए कौन सी प्रॉब्लम है आपको, बताएं मुझे जल्दी से बताइए उज्जवल जी। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए बिल्कुल सही, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। अगर हम पानी में घुलनशील होने की बात करेंगे तो बी और सी दोस्तों होता है। एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है कि सब्जियों को या फलों को काट कर धोने से बी और सी विटामिन ही निकल जाते हैं, याद कर लीजिए,
कोई भी सब्जी या फल अगर हम काट कर धोएंगे तो काट कर धोने से बी और सी विटामिन ही निकल जाते हैं, ये आप लोग याद करिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। जल की स्थायी कठोरता के लिए दोस्तों कौन जिम्मेदार है ये बता दीजिए मुझे, जल की स्थायी कठोरता के लिए कौन दोस्तों जिम्मेदार है यहां पर, जल्दी से बता दीजिए। चलिए बहुत सुंदर, सही आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही यहां पे आंसर है। जल की कठोरता के लिए दोस्तों हमारा ये मैग्नीशियम लवण ही जिम्मेदार होता है, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का, बहुत सुंदर। आगे बढ़ जाइए, फंगी आर द बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज, यानी कवक दोस्तों क्या होते हैं, इनमें से कौन से शब्द ऐसे हैं जो कवक को सही तरीके से डिस्क्राइब करता है, ये जल्दी से बताइए मुझे। क्या ये हेटरोट्रॉपिक होते हैं, क्या ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, या क्या चीज में से ऐसी है जो कवक को दोस्तों बिल्कुल सही तरीके से वर्णित कर रही है। सही आंसर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, परपोषी होते हैं, वायवीय होते हैं दोस्तों, और नॉन ग्रीन होते हैं, सही आंसर ऑप्शन नंबर 3। बढ़िया आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड द डीकेइंग मैटर, यानी मृत और क्षयकारी पदार्थ से पोषण कौन लेता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षयकारी पदार्थों से और दोस्तों मृत पदार्थों से कौन लेता है अपना पोषण, यह आप लोग तेजी से बताएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही, मृत जीवी होते हैं वो, सेप्रोफाइट होते हैं जो दोस्तों मृत और डीकेइंग पदार्थों से क्या लेते हैं, अपना भोजन लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए ऑटोट्रॉफ का मतलब जो स्वयं भोजन बनाते हैं, जो स्वयं अपना भोजन दोस्तों बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार परजीवी का मतलब दोस्तों होता है अन्य अन्य जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, अन्य जीवित जीवों पर या पौधों पर भोजन के लिए निर्भर, भोजन के लिए निर्भर जो रहते हैं वही दोस्तों हमारे कौन से होते हैं, पैरासाइट होते हैं, परजीवी होते हैं। और हेटरोट्रॉफ दोस्तों कौन से होते हैं, जो दोस्तों भोजन खाते हैं, दूसरे जीवों को खाकर दोस्तों भोजन अगर लेते हैं तो वो हेटरोट्रॉफ दोस्तों यहां पर कहलाते हैं, ठीक है ना। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 सेप्रोफाइट। बढ़िया आगे, अ वेल रूटेड प्लांट एंड एनिमल रेसिड्यू इज विच टाइप ऑफ मीजर मैनुअर, यानी एक अच्छे तरह से सड़े हुए पौधे और पशु अवशेष कौन सी खाद का एक प्रकार है, क्या ये कंपोस्ट का प्रकार है, ऑर्गेनिक मैन्योर का प्रकार है, ग्रीन का प्रकार है, या किस तरह की खाद का ये रूप है, अच्छी तरीके से सड़े हुए पौधे और जीव जंतु, तेजी से बताइए। चलिए सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही, कंपोस्ट का ही प्रकार हो जाते हैं, कंपोस्ट खाद का ही प्रकार है, अच्छी प्रकार से सड़े हुए दोस्तों पौधे और जीव। बढ़िया आगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज्ड ड्यू टू, ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों किसके कारण हो जाता है, ग्रीन हाउस का जो प्रभाव है ये दोस्तों किसके कारण होता है, पराबैंगनी किरणों से, अवरक्त विकिरण किरणों से, ब्रह्मांडीय किरणों से, या फिर दोस्तों माइक्रोवेव की किरणों से, किस प्रकार की किरणों से ये ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों होता है। चलिए सही आंसर दोस्तों, बिल्कुल सही, IR rays, बिल्कुल सही, जो अवरक्त विकिरण किरणें होती हैं, इन्हीं की वजह से ग्रीन हाउस प्रभाव दोस्तों देखने को मिलता है, बहुत ही सुंदर। चलिए आगे बढ़ जाइए, इवन दो सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी येट इज नॉट यूज्ड टू मेक द इलेक्ट्रिक वायर बिकॉज, यानी चांदी भले ही विद्युत का सबसे अच्छा चालक है फिर भी इसका इस्तेमाल विद्युत के तार बनाने में नहीं किया जाता, क्योंकि क्यों इसका दोस्तों इस्तेमाल नहीं करते, जबकि चांदी जो है वो सबसे ज्यादा विद्युत का चालक होता है। संतोष जी बहुत बढ़िया, सही आंसर है, क्योंकि बहुत महंगा होता है, इसी दोस्तों हम लोग तांबे के तार का प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। हिंदुस्तान है, चांदी के तार अगर डाल दिए तो दोस्तों तार ही काट के ले जाएंगे लोग, है ना। आगे बढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन इज अफेक्टेड व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द डिजीज ट्रोकोमा,
जब कोई व्यक्ति ट्रोकोमा रोग से पीड़ित होता है तो कौन सा अंग दोस्तों प्रभावित हुआ होता है? लिवर, आईज, इंटेस्टाइन या फिर स्किन? कौन सा दोस्तों अंग प्रभावित हुआ होता है जब भी किसी व्यक्ति को ट्रोकोमा हुआ होता है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ट्रोकोमा मतलब नेत्र रोग है दोस्तों, आंखों का रोग है, इसका मतलब ट्रोकोमा होगा तो आई यानी आंखें ही दोस्तों हमारी क्या होंगी, प्रभावित हो जाएंगी। बढ़िया, आगे। वॉटर इन अ लेक वर टू बिहेव लाइक अदर लिक्विड्स देन इन एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर इट वुड फ्रीज। यानी यदि एक झील में जल अन्य तरल पदार्थों की तरह व्यवहार करता है तो अत्यंत ठंडे मौसम में यह जम जाता है। कैसे? ऊपर से नीचे की ओर जल जमेगा, नीचे से ऊपर की ओर जमेगा, गहराई तक एक साथ जमेगा, या पहले सतह पर जमेगा और फिर आंतरिक भागों में जमेगा? कैसे दोस्तों जमता है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। नीचे से ऊपर, बिल्कुल सही। अगर दोस्तों अन्य तरल पदार्थों की तरह व्यवहार करता तो ये नीचे से ऊपर की ओर जमता, लेकिन दोस्तों होता उल्टा है। होता क्या है ये भी मैं आपको बता दूं एक बार। देखिए, कोई भी अगर झील होती है, इस झील में दोस्तों जब भी ये पानी जमता है तो होता क्या है कि ऊपर वाला पानी दोस्तों ये पहले जम जाता है। ये क्या होता है, ये पहले जम जाता है, और जब ये जम के दोस्तों बर्फ बन जाता है तो क्योंकि बर्फ क्या होता है, कुचालक होता है। अब जब ये कुचालक होता है दोस्तों तो ना तो हीट को अंदर आने देता है ना ही हीट को बाहर आने देता है। इसका मतलब अब नीचे वाला पानी दोस्तों वैसा का वैसा यहां पर रह जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर देखिए इस प्रकार से झील में क्या होता है, बर्फ ये जमता है। आगे बढ़िए, कौन सा तापमान से स्वतंत्र है, यानी किस पर टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता? क्या मोलैलिटी पर, क्या मोलैलिटी पर, नॉर्मैलिटी पर, या इन सभी पर? मोलरता पर, मोलरता पर, नॉर्मलता पर, या फिर सभी पर? चलिए सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, मोलरता, जो मोलैलिटी है इस पर दोस्तों तापमान का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। आगे बढ़ जाइए, स्पीडोमीटर क्या करता है? नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है। स्पीडोमीटर मतलब दो इंस्टेंटेनियस स्पीड, यानी तुरंत जो स्पीड है उसको नापने का काम जो करता है वो दोस्तों इंस्टेंटेनियस स्पीड को नापने का काम स्पीडोमीटर ही करता है। बढ़िया, आगे। पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल को नष्ट करने वाली कौन सी गैस होती है? मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी गैस ऐसी है जो पौधों की पत्तियों से क्लोरोफिल को दोस्तों नष्ट कर देती है? कौन सी इनमें से ऐसी गैस है जो क्लोरोफिल को दोस्तों नष्ट कर देती है पत्तियों से? जल्दी से बताइए इसका आंसर, कौन ऐसा है जो दोस्तों क्लोरोफिल को यहां पर नष्ट कर देती है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, सही आंसर है दोस्तों, SO2 इज द राइट आंसर। सल्फर डाइऑक्साइड जो है यही दोस्तों क्लोरोफिल को नष्ट कर देती है, याद कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों अब हो गया ये। आगे बढ़िए, ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओविलस इज एन एग्जांपल ऑफ, इन्हें पराग नलियों का बीजांड की ओर बढ़ना, ये दोस्तों किस चीज का उदाहरण है? ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओविल्स इज एग्जांपल ऑफ, क्या ये फोटोट्रॉपिज्म है, क्या ये कीमोट्रॉपिज्म है, जियोट्रॉपिज्म है, या फिर नन ऑफ द एबव? अनिल सोनी जी तेजी से बताइए, अजय शर्मा जी बताइए तेजी से, चंदन जी, चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर की ओर बढ़ रहा है दोस्तों, बहुत सुंदर, बिल्कुल सही आंसर दोस्तों, कीमोट्रॉपिज्म ही इसको कहते हैं, बिल्कुल सही। पराग नलियों का बीजांड की ओर बढ़ना ये दोस्तों कीमोट्रॉपिज्म ही कहलाता है, बिल्कुल सही आंसर। आगे बढ़िए दोस्तों, किस तंतु का उपयोग करते हैं बिजली बल्ब बनाने में? बच्चे, बच्चे को बचपन से पता है कि बिजली के बल्ब में दोस्तों टंगस्टन का उपयोग करते हैं, पता है ना सभी को, टंगस्टन का उपयोग क्यों करते हैं? गलनांक होता है बहुत ज्यादा, 3500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, इसका मतलब बल्ब जलाए रखो जलाए रखो जलाए रखो, इस टंगस्टन का वायर पे कोई असर नहीं पड़ेगा, ये जलता रहेगा अपने आप, ठीक है ना, और इसीलिए दोस्तों उसको बल्ब में यूज करते हैं। सही आंसर है दोस्तों टंगस्टन। सिंबल याद कर लो दोस्तों, डब्ल्यू है इसका सिंबल, एग्जाम में आता है, हैं टंगस्टन का सिंबल जो है वो क्या है, डब्ल्यू है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अब मुझे बताइए, वी वेग से कोई वस्तु गतिमान है जिसका द्रव्यमान m है तो संवेग दोस्तों आपको बताना है कि संवेग उसका कितना हो जाएगा। अब ये आसान क्वेश्चन है, देखता हूं कितने लोग यहां बता पाते हैं। वी वेग है और दोस्तों m उसका द्रव्यमान है, तो आपको बताना है कि कितना दोस्तों उसका क्या होगा, संवेग होगा। भैया आसान है क्वेश्चन ये, जल्दी से बताओ, बहुत ही तेजी से इसका आंसर देंगे सभी लोग।
चलिए बता दीजिए तेजी से दोस्तों, बहुत ही तेजी से बताइए कौन सा आंसर यहां पे सही होगा। चलिए सही लोग बताइए, मतलब सभी लोग बताइए। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर दोस्तों, बिल्कुल सही आंसर है एमवी। हम सभी को मालूम है P इक्वल टू दोस्तों एमवी होता है, और यहीं पर एक संबंध दोस्तों होता है, तो जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv² इसमें और दोस्तों P में क्या संबंध होता है, काइनेटिक एनर्जी और संवेग में दोस्तों क्या संबंध होता है, जल्दी से मुझे बता दीजिए। कैसे निकालेंगे देखिए, यहां पर दोस्तों निकाल लीजिए भैया, एम वी कर लीजिए और वी कर लीजिए, यहां पर एम वी की जगह पी रख दीजिए। जब यहां पर एम वी की जगह पी रख देंगे तो ये दोस्तों पी इंटू वी हो जाएगा और बराबर में क्या आ जाएगा, के ई आ जाएगा। यही तो हो जाएगा दोस्तों यहां पर, है ना, यही यहां पर बिल्कुल सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। तो यहां से वैल्यू निकाल के दोस्तों रख दीजिए, यहां से वैल्यू निकाल के रख दीजिए दोस्तों, है ना, बहुत बढ़िया। जल्दी बताइए कि संवेग और काइनेटिक एनर्जी में यहां पर संबंध दोस्तों क्या निकल के आएगा, ये मैंने वैल्यू रख के आपको दिखा दिया है, जल्दी से मुझे बताइए। जल्दी से बताइए, सभी लोग बताएंगे क्या संबंध होता है यहां पर केमिकल काइनेटिक एनर्जी और संवेग में, यानी मोमेंटम में। आसान है दोस्तों, वैल्यू भी रख के मैंने आपको बता दिया है। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पी स्क्वायर अपॉन टू एम, यही दोस्तों यहां पे संबंध होता है ना। सही आंसर यहां पे क्या होगा, के इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन 2m दोस्तों यहां पर संबंध हो जाता है, ठीक है, याद कर लीजिए इस बात को। चलिए आगे बढ़ जाइए अगले क्वेश्चन की ओर। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी का नाम बता दीजिए, सबसे छोटी मांसपेशी, स्मॉलेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी कौन सी दोस्तों यहां पर होगी, सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी होगी ये आप लोग बताइए। ग्लूटस मैक्सिमस, टेपेडियस, न्यूरोगोलिया या फिर नन ऑफ द एबव, कौन सी सबसे छोटी दोस्तों होगी। बहुत बढ़िया, सभी को मालूम है दोस्तों स्टेपेडियस ये सबसे छोटी मांसपेशी होती है, हम सभी को यहां पर मालूम है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ जाइए दोस्तों, लिस्ट का मिलान कर दीजिए, एक तरफ लिखे हैं विटामिन और एक तरफ लिखे हैं उनके केमिकल नाम, जल्दी से अब दोस्तों इनका मिलान कर दीजिए भाई लोग, मिलान करके मुझे बता दीजिए कि क्या इसमें दोस्तों सही आंसर होगा, मिलान करके आपको यहां पर बताना है। जल्दी से अब मुझे बताइए, मिलान कर दीजिए और मिलान करके दोस्तों मुझे बता दीजिए तेजी से। बहुत ही बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं सभी लोग दोस्तों, चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, यहां पर सही आंसर आप सभी का आ गया है, ऑप्शन नंबर 1। हम सभी को मालूम है विटामिन B5 का नाम क्या होता है, पेंटोथेनिक एसिड, सभी को मालूम है। इसके बाद देख लीजिए विटामिन B7 का नाम क्या होता है, बायोटिन, सभी को मालूम था। फिर देख लीजिए तीसरा कौन सा है अपना, तीसरा विटामिन डी है, तो इसका तो बच्चे बच्चे को कब से पता है, बचपन से पता है विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सिफेरॉल है। और विटामिन ई तो दोस्तों हम सभी को रटा हुआ है, टोकोफेरोल, याद है ना, ठीक है, याद हो गया, तो अपना ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया यहां पर, समझे नहीं समझे। चलो आगे बढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स इज फाउंड इन लिक्विड फॉर्म एट नॉर्मल टेम्परेचर, कौन सा तत्व दोस्तों द्रव के रूप में पाया जाता है। हजारों लाखों बार तो ये क्वेश्चन मैं ही आपको बता चुका हूं, जल्दी से बताइए कौन सा तत्व ऐसा है जो द्रव के रूप में दोस्तों होता है। यहां पर भी दो क्वेश्चन थे जो मैंने आपको बताए थे, दो तरह के क्वेश्चन आते हैं इसमें भी। चलिए सही आंसर दोस्तों ब्रोमीन, यहां पर सही आंसर होगा। देखिए ब्रोमीन क्या है, द्रव अधातु है, क्या है ये, द्रव अधातु है। और जब भी आपसे पूछे द्रव धातु कौन सी होगी तो अपना आंसर होता है पारा, समझ गया मेरी बात, पारा जो है ये दोस्तों द्रव धातु है, ठीक है, और ब्रोमीन क्या है, द्रव अधातु है, समझ गया मेरी बात।
चलो आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन में देखो, अल्कोहल से ईथर बनाने की विधि में निम्न में से किसका इस्तेमाल दोस्तों उत्प्रेरक के रूप में होता है? अब जल्दी से इसका आंसर दीजिए, किसका इस्तेमाल यहां पर उत्प्रेरक के रूप में दोस्तों होगा? हॉट एल्यूमिना का, प्लेटिनम पाउडर का, निकेल का, या फिर क्यूप्रिक क्लोराइड का? किसका इस्तेमाल दोस्तों हम लोग यहां पर करेंगे, जल्दी से बताइए। सही आंसर गर्म एल्यूमिना का ही दोस्तों इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल यहां पर सही आंसर आप सभी ने दे दिया है। बढ़ जाइए आगे, किस प्रकार कोयला केकिंग और गैर केकिंग दोनों रूप में होता है? विच टाइप ऑफ कोल एग्जिस्ट इन बोथ केकिंग एंड द नॉन केकिंग फॉर्म्स? कौन सा दोस्तों केकिंग और नॉन केकिंग दोनों ही रूपों में स्थित होता है? बिटुमिनस एंथ्रोसाइट, पीट, या फिर लिग्नाइट? चलिए सही आंसर यहां पर आ गया है, बिल्कुल सही दोस्तों, हम सभी को मालूम है वो कोयला होता है बिटुमिनस, जो केकिंग और गैर केकिंग दोनों में होता है। बाकी बेस्ट कोयले की बात करें तो हम सभी को मालूम है एंथ्रासाइट होता है, क्योंकि इसमें जो कार्बन दोस्तों होता है ये मोर देन 90% होता है, 90% से भी ज्यादा कार्बन होता है, से भी ज्यादा कार्बन होता है इसमें, 90% से भी ज्यादा। और सबसे बुरा बेकार कोयला जो होता है वो दोस्तों होता है कौन सा? पीट कोयला, सबसे बेकार। समझ रहे मेरी बात? सबसे बेकार जो होता है वो पीट कोयला होता है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो कितना होता है? वो दोस्तों 10% से भी कम होता है, 10% से भी कैसा रहता है? कम रहता है, ठीक है। इसलिए सबसे बेकार कौन सा है? पीट कोयला। आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन पे आओ। यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहत क्षेत्र में फैला हो तो उसे क्या कहेंगे? भाई लोग ये हम लोग जानते ही हैं, कोरोना पूरे दुनिया में फैला हुआ दोस्तों, वृहत क्षेत्र में फैला हुआ है। क्या कह रहे हैं इसको? इसको हम लोग पैंडेमिक कह रहे हैं, हम लोग समझ रहे, पैंडेमिक कहते हैं जो वृहत क्षेत्र में फैलता है उसे हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक कहते हैं दोस्तों। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है? जो एक देश तक सीमित हो, समझ गए मेरी बात, देश तक जो सीमित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एंडेमिक कहते हैं, समझ गए मेरी बात। एपिजूटिक किसे कहते हैं? किसी विशेष क्षेत्र में फैला हुआ हो, किसी विशेष क्षेत्र में हो, समझ गया ना, उसी क्षेत्र में केवल फैले, उसके बाहर ना जाए, तो उसे एपिजेटिक कह देते हैं। और एंडेमिक तो हमको पता ही है, किसी भी विशेष जंतु की जाति में अगर फैला हो तो उसे एंडेमिक कहते हैं। जैसे कोरोना है केवल इंसानी जाति में फैला, समझ गया मेरी बात, तो वो क्या कहलाएगा? एंडेमिक कहलाएगा, सही है। चलो आगे बढ़ जाओ, अगले क्वेश्चन की ओर। लंबे समय तक उपवास रखने पर सर्वाधिक प्रभाव किस अंग पर पड़ेगा? यह मैं पहले भी आपको कई बार बता चुका हूं, किस अंग पर पड़ता है प्रभाव अगर लंबे समय तक हम लोग भूखे रहें तो? चलो कुछ लोग कह रहे हैं पेट पर पड़ेगा, अबे पेट पर नहीं पड़ेगा, सही आंसर है गुर्दे पर, किडनी पर पड़ेगा भाई लोग। अगर लंबे समय तक भूखे रहोगे ना, उपवास रखोगे, तो गुर्दे पर पड़ेगा, हाँ ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज नॉट क्लासिफाइड एज फिश? निम्न में से किसको एक मछली के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? ये हम सभी को मालूम है, कई बार पढ़ चुके हैं, ये सभी दोस्तों मछली नहीं है, इनमें से कोई भी मछली के रूप में दोस्तों नहीं है वर्गीकृत, ना स्टार फिश है, ना जली फिश है, ना सिल्वर फिश है, कोई भी दोस्तों इसमें से मछली के रूप में वर्गीकृत नहीं है, याद कर लीजिए। आगे बढ़िए, इन अ कॉनकेव मिरर द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ द कर्वेचर देन द इमेज विल बी, यानी अवतल दर्पण में यदि वस्तु को वक्रता केंद्र में रखा जाता है तो प्रतिबिंब दोस्तों कैसा हो जाएगा? क्या वर्चुअल होगा, इरेक्ट होगा, छोटा हो जाएगा, या वक्रता केंद्र पर ही दोस्तों बनेगा? क्या होता है दोस्तों उस इमेज के साथ जो वक्रता केंद्र पर रखे हुए की बनती है? तेजी से बताएं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मैंने पहले बताया है वक्रता केंद्र पर होगा तो वक्रता केंद्र पर ही दोस्तों बनेगा, बिल्कुल सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, याद कर लीजिए। आगे बढ़ जाइए, पॉलीमेटालिक मॉड्यूल में मुख्य रूप से कौन सी धातु पाई जाती है? विच मेटल इज मेनली फाउंड इन द पॉलीमेटालिक मॉड्यूल? पॉलीमेटालिक मॉड्यूल में कौन सी धातु दोस्तों पाई जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये आ गया है, तेजी से इसका आंसर आप लोग दीजिए। पॉलीमेटालिक मॉड्यूल में कौन सी धातु दोस्तों मुख्य रूप से पाई जाती है? प्रिया सानी जी, सुनील जी, प्रणव कुमार जी, खुशबू गुप्ता जी,
बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया दोस्तों, सही आंसर है मैग्नीज इज द राइट आंसर। मैग्नीज यहाँ पर बिल्कुल दोस्तों सही आंसर आप सभी का हो जाता है। सुंदर आंसर दोस्तों। तो दोस्तों ये कुछ क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस करे हैं मॉक पेपर 4 में। लगातार हमारे साथ बने रहिए, एग्जाम तक दोस्तों डिस्कस डेली करते रहेंगे और क्वेश्चन में इतने करा दूंगा दोस्तों कि इनको याद कर लिया तो यहां से बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। मॉक पेपर जो मैं अभी सॉल्व करा रहा हूं इनको जरूर दोस्तों सॉल्व करिए, इनको जरूर अटेंड कीजिए। एक एक क्वेश्चन दोस्तों बिल्कुल चुन चुन कर दोस्तों लाए हैं, समझ लीजिए पूरे समुंदर से बीन कर आपके लिए मोती लेकर आए हैं दोस्तों, तो इनको बिल्कुल भी मिस नहीं करना, एक एक क्वेश्चन को यहां पर याद कर लेना है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों आप सभी लोग से मैं फिर से कहूंगा, जिन लोगों ने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है वो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं @shubhamsir_testbook। यही दोस्तों मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, यहीं पर आपको पूरी पीडीएफ फाइल मिल जाएगी। इसी ग्रुप को आपको सर्च करना है टेलीग्राम पर जाकर और दोस्तों यहीं से आपको पूरा ग्रुप मिल जाएगा और सारी जानकारी मिल जाएगी। आप सभी लोगों को फिर से याद दिला दूं कि आप सभी लोग टेस्टबुक का पास दोस्तों यूज कर सकते हैं जो एंड टाइम में आपकी तैयारी को दोस्तों बहुत स्पीड देगा। और 10 दिन में अगर आपने मान ली दोस्तों 30 मॉक पेपर भी कर लिए, अगर 10 दिन में 30 मॉक पेपर भी कर लिए तो भी 3000 क्वेश्चन दोस्तों आप रिवाइज करने के अधिकारी बन जाएंगे। तो इसको दोस्तों जरूर परचेस कीजिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। साथ ही साथ testbook.com की फ्री लाइब्रेरी का यूज दोस्तों करना मत भूलिए, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा इसका लिया नहीं जाएगा। और यहां पर भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रैक्टिस क्वेश्चन और स्टडी पीडीएफ नोट्स दोस्तों मिलेंगे। साथ ही साथ दोस्तों अगर आप तैयारी करना चाहते हैं भविष्य में एसएससी सीजल 2022 का, तो आपके लिए यहाँ पर फाउंडेशन लाइव कोचिंग बैच शुरू हो चुका है जिसमें 400 से भी ज्यादा मिल रही है लाइव क्लासेस दोस्तों, इसको आप जरूर ज्वाइन करिए। यहां पर दोस्तों हमारे जो टीचर्स हैं वो आपको ले जाएंगे। और दोस्तों इस बैच को ज्वाइन करने का एक और फायदा यह है कि अगले 4 दिनों तक यानी 16, 17, 18 और 19, आज 18 तारीख दोस्तों हो गई है तो 16, 17, 18 दो दिन निकल चुके हैं, 18 और 19 दो दिन बचे हैं। इन 2 दिनों में अगर आपने कोई भी टेक्स्ट बुक सिलेक्ट का कोर्स खरीदा है तो आपको दोस्तों ब्रांड न्यू लैपटॉप यहां पर मिल सकता है, आपका नाम लकी ड्रॉ के माध्यम से दोस्तों चुना जा सकता है। तो इसको दोस्तों जरूर लें और फायदा उठाइए। दोस्तों ये टीचर्स हमारे हैं बिल्कुल एक्सपीरियंस टीचर हैं जो दोस्तों आपको एग्जाम तक ले जाएंगे, इनके सानिध्य में जुड़िए क्योंकि आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों हमारा ये बैनर। इस बैनर में दोस्तों आपका नाम और चेहरा हमें लगाना है और दोस्तों इंतजार कर रहा है आप सभी का, तो मेहनत में लग जाइए, डटे रहेंगे हम लोग, जमे रहेंगे हम लोग दोस्तों, एग्जाम को इस बार छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए एग्जाम क्लियर करना है। 2022 दोस्तों आखिरी साल होगा हमारी तैयारी का, इसी साल दोस्तों मिलेगी नौकरी। इन्हीं शुभकामना के साथ दोस्तों विदा लूंगा आपसे, मिलूंगा कल दोस्तों बिल्कुल सही समय पे यानी 1 बजे, तब तक के लिए आपसे लूंगा विदा। आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी को मैं कहूंगा यही कि आप सभी लोग खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हमेशा ऊर्जाओं से भरे रहिए और आलस्य से दोस्तों मेरे भाई जरूर दूर रहिए, ठीक है ना। चलिए आप सभी को नमस्कार, आप सभी को मेरा जय हिंद।